हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पॉकी मिक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे। सो गर्ल्स, आई नो अभी जो है कंडीशन जो चल रही है अपनी कंट्री में, वो थोड़ी कोविड की वजह से यू नो एवरी वन इज़ बहुत ही हम सब परेशान और फ्रस्ट्रेटेड है, बट आई एम मेकिंग कंटेंट सो दैट एक लाइट हार्टेड कंटेंट मैं बनाऊँ, सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम ऑल दिस। तो बस इसी नोट पे आई होप सब सेफ रहें एंड सब हेल्दी रहें। सो आज का जो वीडियो, इट्स ऑल अबाउट 5 फैशन मिस्टेक्स, कॉमन फैशन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, एंड मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। सो मे बी अगर आप ये फैशन मिस्टेक्स करते हैं तो आप कुछ सीख सकें इस वीडियो से, एंड अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए गाइस, वहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रील्स बना रही हूँ अब। यस, दिस मामा इज़ ऑन अ रोल नाउ। तो मैं जो हूँ इंटरेस्टिंग रील्स बना रही हूँ डिफरेंट आउटफिट्स की, फैशन की, कुछ गाने शानों के साथ। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है परकी मेक्स। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस फैशन वीडियो। तो गाइस, सबसे पहली जो कॉमन फैशन मिस्टेक है जो मुझे लगता है मैंने भी बहुत बार की है बचपन में एंड अपने टीनेज में, और हम सब बहुत बार करते हैं, दैट इज वेयरिंग व्हाइट अंडरगारमेंट्स अंडर व्हाइट क्लोथ्स। यस, हमें लगता है कि सफ़ेद जो कपड़े होते हैं उनके अंदर हमें सफ़ेद ब्रा जो है स्पेगेटी या फिर अंडरवेयर पहननी चाहिए, बट नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है गर्ल्स। व्हाइट के अंदर व्हाइट और चमक के दिखता है, सो इसके अंदर हमें न्यूड अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। यस, व्हाइट अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्लाजो है जो थोड़ा सा पारदर्शी टाइप का है, तो उसके अंदर आप जो है न्यूड अंडरवेयर पहनिए, एंड अगर आपका कोई कुर्ता है जो कि व्हाइट है तो उसके अंदर व्हाइट स्लिप ना पहन के आप जो है न्यूड स्लिप पहनिए एंड न्यूड ब्रा पहनिए, एंड अगर आपकी कोई व्हाइट शर्ट है, व्हाइट टॉप है, उसके अंदर अगेन आप न्यूड ब्रा पहनिए। एंड न्यूड में भी ना बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो वो वाला न्यूड चूज़ कीजिए जो आपके स्किन कलर के सबसे क्लोज हो। तो क्या लगता है, अंदर से एकदम सीमलेस हो जाता है एंड आपका जो आउटफिट है फिर बिल्कुल एकदम सही वाइट दिखता है। तो येस, दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक जो हम सब ने की है, बट अब मत कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन फैशन मिस्टेक जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ गोइंग ओवरबोर्ड विद ज्वेलरी। यस, कई बार हम बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं और हम सब कुछ पहन लेते हैं, बड़ा इयररिंग, बड़ा नेकलेस एंड सब कुछ, बट गाइस नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने ये नेकलेस पहना हुआ है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट सिल्वर नेकलेस, तो इसमें आप देखेंगे मैंने कुछ भी इयररिंग्स नहीं पहनी है। तो या तो आप इसमें छोटे छोटे स्टड्स पहन सकते हैं या फिर आप रहने दीजिए, कुछ मत पहनिए। लेकिन इसके साथ अगर आपने बड़े झुमके भी पहन लिए तो वो फैशन मिस्टेक है गर्ल्स, वो अच्छा नहीं लगता है एंड ऐसा लगता है बहुत ही ओवरबोर्ड हो गए हैं आप ज्वेलरी से। तो क्या कीजिए आप, या तो आपके बड़े झुमके हों तो आप नेकलेस आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटा सा नेकलेस पहन सकते हैं, या फिर आपका नेकलेस इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो आप इयररिंग्स छोटी पहनिए। दोनों बड़े बड़े इज़ अ टोटल फैशन फॉर पास, तो फैशन मिस्टेक ये मत कीजिए। एक चीज़ स्टेटमेंट रहने दीजिए एंड दूसरी जो है लाइट या फिर बिल्कुल नहीं। ऐसे ही अगर आपकी कुंदन की ज्वेलरी है तो कुंदन का अगर मोटा नेकलेस है बड़ा सा, तो इयररिंग या तो छोटी सी पहनिए या मत पहनिए। एंड वो सेट्स आते हैं ना जिसमें सब कुछ बड़ा बड़ा होता है और इयररिंग्स भी होती है, तो उसमें मैं एक ही पार्ट पहनती हूँ, या तो बड़ा नेकलेस या फिर बड़े इयररिंग्स, दोनों एक साथ नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप भी मत पहनिए। नाउ थर्ड फैशन मिस्टेक जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें क्या लगता है कि यार हम ना थोड़े से मोटे हो गए हैं, खा पी लिया है हमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो खा पी लिया है तो अपना घी खाया है तो आप चिंता मत करिए, सेल्फ लव। एंड दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पूरे ऊपर से नीचे तक बैकी क्लोथ्स में ढक दें। यानी क्या, मैं देखती हूँ कि हम लोग कई बार ऊपर भी लूज टी शर्ट पहन लेते हैं, नीचे भी लूज प्लाजो पहन लेते हैं, तो वो लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी बजाय जैसे ये एक लूज टॉप है और एक लूज प्लाजो है, तो ये दोनों एक साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसमें प्लाजो के साथ एक फिटेड टॉप पहन लीजिए तो वो फिर अच्छा लगता है। एंड अगर आपका एक लूज टॉप है तो उसके साथ आप लेगिंग्स पहन लीजिए फिटेड, तो इस तरह आप एक पीस को बैगी रहने दीजिए एंड दूसरा पीस फिटेड कीजिए। अगर बैगी लोअर है तो फिटेड टॉप, एंड अगर बैगी ढीला आपका जो है ऊपर का टॉप है देन फिटेड बॉटम, तो ये जो है अच्छा लगता है। तो ये फैशन मिस्टेक मत कीजिए कि ऊपर से टॉप से बॉटम तक एकदम बैगी क्लोथ्स पहन ले। नाउ चौथी फैशन मिस्टेक जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है वो ये है कि लेगिंग्स के साथ शॉर्ट टॉप्स हम पहन लेते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं आपको बताऊँ, जो लेगिंग्स होती हैं उनके साथ आपका जो टॉप का लेंथ है वो मिनिमम हिप्स से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। क्या होता है, जब आप हिप्स से थोड़े से छोटे टॉप पहन लेते हैं विद लेगिंग्स,
तो वो बिल्कुल भी पीछे से अच्छा नहीं लगता, बिलीव मी इट लुक्स लाइक अ फैशन डिजास्टर। तो इसकी बजाय आप क्या कीजिए, आप मुझे जो स्टैंडर्ड लेंथ लगती है वो लगती है मिड लेंथ कुर्ती या फिर मिड लेंथ टॉप मैं लेगिंग्स के साथ पहनती हूँ। तो आपकी जो मिनिमम जो लेंथ है वो हिप से थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए एंड मिड थाई लेंथ इज़ अ परफेक्ट लेंथ टू वेयर विद लेगिंग्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फिर एकदम परफेक्ट लगता है। तो कोई भी लेंथ आप लीजिए, इससे और लंबी भी पहन सकते हैं, लेकिन हिप से छोटी लेंथ का जो टॉप है वो लेगिंग्स के साथ बिल्कुल नहीं पहनना है। और जो पांचवा एंड लास्ट कॉमन फैशन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं, दैट इज पेयरिंग रॉन्ग एक्सेसरी विद अ लुक विद एन आउटफिट। जैसे हमारा पूरा टॉप टू बॉटम आउटफिट बहुत अच्छा निकल आया और हमने फुटवेयर गलत पहन लिया। येस, जैसे एक लुक है ये ब्लैक कुर्ती विद डेनिम्स एंड जैकेट्स के साथ, अगर मैंने व्हाइट शूज पहन लिए तो सारा लुक खराब हो जाएगा। तो इसी तरह फुटवेयर राइट पहनिए विद द होल आउटफिट एंड करेक्ट पर्स लीजिए विद द आउटफिट जो जाए आउटफिट के साथ। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा जो बैग है वो कौन से लुक के साथ लेना चाहिए या कौन सा फुटवेयर है जो कौन से यू नो आउटफिट के साथ पहनना चाहिए, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हैं मेरे फुटवेयर कलेक्शन में, जिसमें मैंने आपको बताया है स्पेसिफिकली कि कौन सा फुटवेयर कौन से ड्रेस के साथ मैं पहनती हूँ। एंड मैंने बैग्स का भी बनाया जिसमें आपको बताया है कि कौन सा बैग कौन से लुक के साथ जाता है, तो आप वो वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ ये जो वेलवेट का अच्छा सा मेरा कुर्ती ड्रेस है इसको मैंने बेज दुपट्टे के साथ पेयर किया, एकदम परफेक्ट जा रहा है। बट कई बार अगर मैंने इसको जैसे ग्रीन दुपट्टे के साथ पेयर कर लिया तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कलर कोऑर्डिनेशन भी अगर रॉन्ग हो गया मिक्स एंड मैच में तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा जो है राइट चीज पेयर कीजिए विद द राइट आउटफिट, चाहे वो एक्सेसरीज राइट हो या फिर यू नो एड ऑन पीस क्लोदिंग पीस राइट हो, जैसे मैंने दुपट्टा का एग्जाम्पल बताया आपको। तो ये हम सब बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं, बट अब से मत कीजिएगा। जितना लुक इंपॉर्टेंट है उतना ही है आपके शूज, आपकी एक्सेसरीज जैसे राइट बेल्ट राइट पर्स, तो ये ओवरऑल लुक को एकदम परफेक्ट बनाता है। सो गर्ल्स, ये थे 5 कॉमन फैशन मिस्टेक जो हम सब करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इनमें से क्या आपने कुछ फैशन मिस्टेक्स किए। मैंने तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ब्लंडर्स किए हैं बचपन में एंड आई एम श्योर हम सब ने किए होंगे, बट ठीक है, जिंदगी का यू नो नाम है सीखना और हम सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो गेनिंग नॉलेज, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सब चीज़ें धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। इफ येस, इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलिए गाइस एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक्स हिंदी को। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर ऑल द क्विक फैशन वीडियोस, फोटोज, स्टोरीज एंड एवरीथिंग। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटिफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।